का भोला। अरे हजा, तुम जानते हो हमारे बगल में एक नया दोस्त आया है। अरे सुने हैं कि उसके पॉकेट में बहुत पैसा रहता है। अरे यार, हम लोग का पड़ोसी आया है। अरे कौन है, थोड़ा बता तो हमें। अरे हैडा, उसका नाम है रामू। मैं अभी जा रहा हूँ उसी से मिलने के लिए। भोदू भैया, एक काम करना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा उससे मिलने के लिए। अरे ना ना, तुम एकदम नहीं जाएगा। तुम जाएगा वहाँ पे सारा काम प्लानिंग फेल हो जाएगा। अरे तू काम अच्छा नहीं किया है भोदू भाई। अरे हैडा, उससे पहले मैं दोस्ती कर लेता हूँ, उसके बाद तुम उससे दोस्ती कर लेना। अरे रामू, तुम, अरे तुम इधर कहाँ जा रहे हो? अरे यार, तुमको तो पहले कभी देखा नहीं, पहचान नहीं, कौन हो? अरे मेरा नाम है भोदू। अरे तुम हमारा पड़ोसी हो, तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। अच्छा भोदू, तो तुम आज से मेरा दोस्त हुए क्या? ठीक है ना? मैं हूँ हादा, भोदू का दोस्त। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हुए। अरे ये तो तुम्हारा तरीका सही नहीं था। अरे ऐसा बात है क्या? पहले तो हाथ तो मिलाओ दोस्त। अरे बाप रे, मैं मर गया रे। अरे बाप रे, अरे माँ, अरे बाप रे, अरे माँ। सॉरी बॉस, हमसे पंगा लेने से यही होता है। ये सब तुम्हारा गलती है। अरे भोदू भाई, चलो हम तुम्हारा मोहल्ला देख कर आते हैं। अरे तुम कराटे भी जानते हो क्या? अरे रामू, ये तो बहुत बड़ा बात है। अरे यार, कराटे मेरे पापा को ब्लैक बेल्ट मिला है। अरे बाबा, वो रामू कैसे कराटा जानता है? अरे हादे को एक बार में ही गिरा दिया। अरे रामू से मैं दोस्ती कर उससे हम भी कराटा सीख लेंगे और हम भी जहाँ तहाँ लड़ेंगे, और उसके बाद मैं हादे को दिखाऊंगा अपने कराटा का कमाल और वो देखेगा। अरे रामू, हमको तुम कुछ कराटा सिखाओगे क्या? हाँ, हम भी सीखना चाहते हैं कराटा। अच्छा ठीक है, तुम्हें सिखा देंगे, लेकिन तुम क्या करोगे सीख के? अरे हादा हमको सारा दिन परेशान करके रख देता है। अगर मैं कराटा जानता तो मैं उसको सबक सिखा सकता हूँ हादा को। अरे रामू, अब तुम्हें कष्ट करके कराटा नहीं सिखाना पड़ेगा भोदू को। मैं कराटा वही सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ तुम दोनों को। हजार जिस तरह तुम हम दोनों के पीछे पड़ा है, तुमको सबक सिखाएंगे हम। तुम अपने आप को बहुत चलाक समझते हो, तुम्हारा चलाकी नहीं चलेगा। अभी तुम बैठे बैठे रोते रहो और मैं देखते रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे रामू, क्या किया जाए, हादर तो हम दोनों को दो दो बार गिरा दिया है। ए भोदू, इधर आओ ना, देखते हैं हादर क्या करता है हम दोनों को। अरे तुम ठीक बोला है रामू, तुम जो बोला है वही सब होगा। ए हादर, हम दोनों को कराटा सिखाएगा रामू, बुलाया है हम दोनों को। अरे तुमको बोला है दोपहर के 2 बजे करीब में तुम पार्क के पास रहना। अरे वाह, सचमुच सिखाएगा? अरे हाँ, सचमुच बोला हूँ, देर मत किया करो। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक पहुँच जाऊँगा टाइम से। रामू मैं आ गया, मैं तैयार हूँ रामू। भोदू नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया है? अरे ठीक किया है हादा, तुम्हारा जैसा शिष्य मुझे बहुत पसंद है। अरे हाँ गुरु, मैं सबसे पहले सीखकर आप ही के ऊपर बार करूँगा कराटा का, समझे? ओ ये बात है। भोदू एक्शन। मुझे नहीं चाहता रे रामू, रामू ठीक नहीं हो रहा है। ए भोदू, भोदू, भोदू ठीक नहीं हो रहा है। भोदू मुझे नहीं चाहता रे, भोदू, भोदू, रामू, रामू भोदू नहीं चाहता। अरे रामू, रस्सी को बढ़िया से पेड़ में बांध कर रखना। ठीक है। अरे ए, मुझे नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं तुम लोग दोनों को देख लूंगा। भोदू, भोदू नहीं चाहता रहा मुझे। ए रामू, रामू मुझे नहीं चाहता। देखो ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो। ए हादा, मेरा पैर छोड़ दो कि नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा, बोला तो मैं तुम्हारा आता हूं, तुम दोनों को देख लूंगा। भोदू, भोदू नहीं चाहता रहा मुझे।
देखो ठीक से करो तो मेरा पैर छोड़ो, छोड़ेंगे क्या श्रम देते हो अपने आप को। मुझे नीचे उतारो ना। सुन रहा है तू? हाँ, मछली खा खा के मेरा मुंह पक गया है। बहुत दिनों से मन कर रहा है कि मैं मिठाई खाऊं। तुम्हें मिठाई खाना है? मिठाई कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, मैं कहाँ से लाऊं? सुन, एक काम कर, आ चल मिठाई की दुकान से मिठाई चोरी करते। तुझे पता नहीं बुद्धि समय में चोरी करना कितना पाप है? वो तो मुझे पता है, लेकिन मिठाई कहाँ से मिलेगा ये तो पहले बता। वही तो मैं सोच रहा हूँ, वो मोती के बूंदे डाकिया आ रहा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुन इधर इधर आ, मेरी एक बात सुन। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। कौन हो तुम? कौन हो? हम लोग हैं भूत। हम लोगों से टर्मक जैसा बोलता हूँ वैसा करो। एक लेटर लिख दो। हाँ, नहीं मारेंगे। लिख जल्दी लिख। हाँ, लिख रहा हूँ। सत्यनाश हो गया। हमारा पोस्टमैन को बोर्ड ने किडनैप कर लिया। पोस्टमैन को तब छोड़ेगा जब एक टोकरे मिठाई देंगे। आप पुश कीजिए सर। हाँ, ये कैसी बात है? हाँ हाँ, भूत ने चिट्ठी भेजा है क्या? सर, हम लोग भूतों से कैसे लड़ेंगे? हाँ, ये बात तो सही है। मेरी और एक बात सुनो आप। हम लोगों का काम है इंसानों से लड़ना, भूतों से नहीं। अगर आप भूतों से लड़ना चाहते हैं, तो आप तंत्र के पास जाइए। जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे ओ मास्टर जी, आप इतना परेशान होकर कहाँ जा रहे हैं? बताइए। टब्बू बेटे, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। पोस्टमैन को भूत ने पकड़ के रखा है। ये क्या? हाँ, मेरे लिए एक चिट्ठी भेजी है। कहाँ कहाँ? चिट्ठी दिखाइए। चिट्ठी में लिखा है, वो जो कहे है वो नहीं कीजिएगा तो वो डाकिया को मार देंगे। मैं क्या करूँ बताओ बेटा? अगर पोस्ट मास्टर मर गया तो सारे इंजाम मुझ पे आ जाएगा। मेरे दिमाग में आइडिया आया है, समझे गब्बू? क्या क्या बता। एक काम कर, तू राष्ट्रीय किनारे से जाकर एक टोकरी पत्थर लेके आ। मैं लेकर आ रहा हूँ। एक पत्थर से क्या होगा? ओह चुपचाप, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये देख मैं ले आया। वेरी गुड, चलो चलो अब हम लोग चलते हैं उस बरगद के पेड़ के पास। ओए, ओ देख, तीन मनुष्य हम लोग की तरफ आ रहा है। लग रहा है एक टोकरी मिठाई लेके आ रहा है। तब्बू, लेकिन तुम उन भूतों को कहाँ ढूंढोगे? ओए, हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद चले आए हैं। ओम तरल पुक चरल छू। ये देख मिठाई के टोकरी। डोंट 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 डों
तुम्हारे पोस्टमैन को छोड़ दिया है, ले जाओ ले जाओ, ये जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये लो भूत भाई, तुम्हारा मिठाई का टोकरी। वाहन वाहन खुशी है, क्या मजा हम लोगों को बेवकूफ बना के चले गए। समझ अगर जान गया तो हम लोग मुँह कैसा दिखाएंगे। सुन एक बात सुन, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ, हाँ, चल चल। लंबकर्ण, तू मेरा साथ रहता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। कोई ना कोई बात तेरे कान में पड़ी जाती है। अभी उसी दिन तो अगर नहीं होता तो मुझे बहुत गालियां पड़ती थी। बाचू बिच्छू मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते। आप भी क्या कर रहे हो बाटुल भैया, मैं ऐसा भी क्या करता हूँ? आप ही तो मुझे हमेशा बचा देते हैं। मैं सिर्फ अपने कान खड़े कर आपको सारी खबरें देता हूँ बस। देख रहा है बिच्छू, बाटुल भैया फिर से लंबकर्ण को साथ लेकर निकले है। उफ, ये दोनों अगर साथ रहे ना बेटा तो हम दोनों इन दोनों को कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। ठीक कहा गुरु, तो पहले इस बड़े कान वाले को भगाते हैं, उसके बाद बाटुल की अकल ठिकाने लगाते हैं। बाटुल भैया, मुझे ना बाचू बिच्छू की आवाज सुनाई दे रही है, वो लोग जरूर कहीं आस पास ही है। आप ना सावधान रहना। अरे नहीं नहीं, तुझे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करना उनके बस की बात नहीं है। लंबकर्ण भैया, ओ लंबकर्ण भैया, अभी खबर मिली है कि आपके लिए एक टेलीग्राम आया है। आपको शहर जाना पड़ेगा, फुटबॉल टूर्नामेंट में आपके रेफरी बनना पड़ेगा। क्लब सेक्रेटरी आपको ढूंढ रहा है, आप जल्दी दौड़कर आइए। क्या कह रहे हो? कुछ भी, मुझे रेफरी? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हे, तुम लोगों ने ठीक से सुना है कि नहीं? क्या कह रहे हो लंबकर्ण, ऐसा एक ऑफर आया और तुम्हारे लिए और तुम हो कि विश्वास नहीं कर रहे। जा जा जल्दी जा। बाबा बाचू, तुम लोगों ने क्या तो लंबकर्ण पर उपकार किया है। नहीं नहीं, मैं तो खामखाई तुम लोगों पर हमेशा संदेह करता हूँ। ये लो, तुम दोनों लॉलीपॉप खाओ। से पर किल क्यों ठोक रहा है दोस्त? देखते जाओ, अब मैं बाटुल को कैसे मजा चखाता हूँ। ये भी कोई कहने की बात है गुरु, तुम्हारे प्लान का कोई जवाब नहीं है। सुनो सुनो बाटुल भैया, अरे सुनो तो, ये छोटा सा बक्सा देख रहे हो ना, इसको जरा उठा के दिखाना, उठा सकते हो या नहीं? जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो देखो, मैं उठा कर दिखाता हूँ। ये क्या हुआ, खींचना थोड़ा ज्यादा ही जोर से हो गया ना, तुम लोगों को थोड़ी तकलीफ दे दी। कुछ सोचना मत भाई। अरे मर गया रे, रास्ते का टुकड़ा समेत बाटुल भैया ने हम लोगों को उठा के गिरा दिया। अरे बाप रे, बाटुल भैया, तुम लोग छोटी छोटी बातों पर मुझसे मजाक करते हो, जाओ कर जाओ। पेड़ के साथ इस रस्सी को अच्छे से बांध देता हूँ, उसके बाद टग ऑफ वॉर में देखना कैसे बाटुल भैया को हराता हूँ। इस दीवार की छेद में से रस्सी को निकाल देता हूँ, क्या कहते हो बाचू? गुरु, गुरु, तुम्हारा जवाब नहीं। बाटुल भैया, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि इस रस्सी को खींचने में आप मुझसे नहीं जीत सकते। क्यों झूठ मूठ ये सब कर रहा है, अच्छे बच्चे की तरह रहो ना, ठीक रहोगे, जाओ जाओ। ए बिच्छू, ये बाटुल भैया तुमसे डर गए हैं, इसलिए टग ऑफ वॉर में तुझसे लड़ना नहीं चाहते, छोड़ दो ना गुरु, माफ कर दो ना बाटुल भैया को।
माफी नहीं है बाटुल भैया, आप भी आखिरकार हारी पार्टी बन ही गए। भैया बुलाने में शर्म आ रही है। अब छी 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 छी। अब बताता हूँ, रुक देख मैं क्या करता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। बच्चू, तुम मेरे गुरु तो हो, पर बाटुल भैया से एक के बाद एक मात खा रहे हो। इसके बाद मैं तुम्हें गुरु नहीं मान पाऊंगा। तुम चुप रहो तो मैं मर रहा हूँ। मेरे सर पर आलू निकल आया है और तुम बकबक कर रहा है। चुप बैठ। रुक, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। अब बाटुल को मात देकर आऊंगा। अरे बाबा रे। गुरु, माथे में आलू के बाद अब तरबूज ना उग जाए। धीरे वत्स, धीरे। सब्र का फल मीठा होता है। अब तैयार करूंगा एक फंदा, उसके बाद देखना होता है क्या। बाटुल भैया, ये आकाश उड़ने वाला यान देख रहे हैं ना, ये आपके अलावा किसी पर भी शोभा नहीं देगा। इसमें आप जरा बैठकर देखिए ना, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। आकाश में आप घूम रहे होंगे और पृथ्वी दिखेगा बहुत सुंदर। आप पक्षियों की तरह जहां तहां उड़ रहे होंगे। तुम्हारी इसमें कोई शैतानी तो नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ बदमाशी घूमती है। नहीं नहीं बाटुल भैया, हम लोग बहुत अच्छे लड़के बन गए, हमारी कोई बदमाशी नहीं है। एक बार चढ़ के तो देखिए, फिर पता चलेगा। क्या कहते हुजूर? ठीक कहा। चलो ठीक है, मैं चढ़कर बैठ ही जाता हूँ, देखिए ना। लेकिन ध्यान रहे कोई दुर्घटना ना घट जाए। बाटुल भैया, बलून में उड़ना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मस्त। तुम लोग धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हो, ये तो रोंगटे खड़े करने का मामला है। हाँ, पता लगेगा भाई, पता लगेगा। और थोड़ा ऊपर जाओ, फिर पता लगेगा कि रोंगटे खड़े होते हैं या सिकुड़ जाते हो। और ऊपर जाइए बाटुल भैया, देखिएगा ठंड की वजह से सिकुड़ जाओगे। नहीं नहीं बाटू, अब देर मत कर, अब तीर धनुष निकाल और छेद कर दे, भेद खोल दे। बाटुल बलून के साथ नीचे गिर पड़ेगा। बाटुल को हम रोलर बनाएंगे और कोई चिंता नहीं है बाटू। दोनों तीरों ने लक्ष्य भेद दिया है। अब तो बैलून फूस बाटुल पूरी तेजी से नीचे आ रहा है। अरे इतने ऊपर से गिरा
पर लगा जैसे किसी गद्दे पर से गिरा हूँ। नाना, लौंडे दोनों कहाँ गए? ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ, उन दोनों ने मेरा आकाश में उड़ने का इतना अच्छा प्रबंध किया था और मैं ठीक से उड़ भी नहीं पाया। नहीं नहीं, मुझसे ही कोई गलती हुई है। अरे बाटुल भैया, इधर है बाटुल भैया, इधर है। ये क्या हुआ? अरे तुम लोग ऐसे पिचक कैसे गए? किसी ने रोलर चला दिया लगता है। रुको रुको, मैं तुम लोगों को हिला देता हूँ, हवा घुसेगी तो ठीक हो जाओगे। बहुत हो गया बाटुल भैया, आप अब हम पर ज्यादा उपकार करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अब हम और मरेंगे, बिल्कुल बचेंगे नहीं। ठीक है, जब मदद ही लेना नहीं चाहते तो मैं चलता हूँ। आकाश में भ्रमण करवाने के लिए तुम लोगों को बहुत सारा प्यार। हट, अब अच्छा नहीं लगता। जितनी बार हम बाटू भैया को मजा चखाने जाते हैं, वो हमें ही मजा चखा देते हैं। हट जा, हट जा बाचू। हट हट, अरे हट रे बाचू, हट हट, अरे बाचू। ये है गोपाल फोड़। गोपाल और नेपाल दोनों उपस्थित हैं। मुर्शिदाबाद राज दरबार में आप दोनों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप जानते होंगे आप लोगों को क्यों बुलाए। हाँ सुल्तान बहादुर, जानते हैं मैं ना ये नेपाल बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, यही आप परखना चाहते हैं ना। आप दोनों प्रस्तुत हैं? हाँ सुल्तान बहादुर। अच्छा तो ठीक है, इस बार मैं आप दोनों को तीन मनुष्य लाने को कहूँगा, जिसमें से एक नदी के इस पार रहेगा और एक नदी के उस पार, और तीसरा आदमी नदी के बीच रहेगा, और समय देंगे एक दिन। जो यह काम अच्छी तरह कर लेगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। जाइए, अब आप लोग काम में लग जाइए। हाँ, दया कर हमें छोड़ दीजिए, हमें दया कर छोड़ दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, क्यों डर रहे हो? डरो मत, सुल्तान बहादुर तुम लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलकर चले आओगे बस। हम लोगों की हत्या तो नहीं करेंगे ना। तो फिर सुनो, कल तुम ठीक 10 बजे राजमहल के मुख्य द्वार पर चले आना, और मैं आकर खुद तुम्हें ले जाऊंगा राजमहल के अंदर। अच्छा। माँ आओगी ना? माँ कहकर बुलाए हो तो माँ अपने बेटे के तकलीफ में कैसे नहीं जाएगी? जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन पुत्र, मैं एकांत में साधना कर रहा हूँ, फिर मेरी जरूरत क्या है? डरिए मत सन्यासी जी, आप वहाँ बस कुछ क्षण के लिए जाइएगा। हाँ, इसके बाद वापस आप अपने स्थान पर चले आइएगा। आप जरूर आइएगा। ठीक है, अवश्य जाऊँगा। तुम चिंता मत करो गोपाल, मैं जरूर जाऊंगा। तुम बोलो और मैं ना जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रणाम सुल्तान बहादुर, यह देखिए, आपके कथनानुसार मैं तीन व्यक्तियों को हाजिर किया हूँ। यह व्यक्ति किसान है, नदी के इस पार था। यह व्यक्ति कुम्हार है, जो नदी के उस पार मिट्टी उठा रहा था। अगर विश्वास ना हो तो इन लोगों से पूछ लीजिए। और गोपाल? नवाब बहादुर, मैं पहले आपको यह बता दूं कि आप यहाँ नदी का कोई नाम स्पष्ट नहीं किए थे, इसलिए मैं तीन मनुष्य को लेकर आया हूँ, जिसमें से एक पुजारी है और ये ब्राह्मण है, और ये हमेशा यही सोचते हैं कि इनके भक्त हमेशा बढ़ते रहें और दक्षिणा में फल चावल पैसे हमेशा मिलते रहे, और इसी कर्म में हमेशा व्यस्त रहते हैं। हाँ, इसलिए ये नदी के इस पार है और ये सन्यासी हैं। कर्म क्रोध मोह माया त्याग कर घने जंगलों में बैठ के जीव जंतुओं के बीच में गहरे ध्यान से ईश्वर की साधना करते हैं। ईश्वर के ध्यान में भूख प्यास भी मिट जाती है, इसलिए कहा जाता है ये नदी के उस पार के हैं, और ये एक माँ है, हमेशा अपने बच्चे की सेवा करती, इसको अपनी भी फिक्र नहीं है और ना फिक्र है ईश्वर की।
इसलिए इनको कहा जा सकता है ये बीच नदी के मनुष्य हैं। क्या समझे महाराज? सचमुच गोपाल, तुम बुद्धिमान ही नहीं बल्कि महान विद्वान हो। और यह लो अपना पुरस्कार। आज तुमने नदिया राज्य का मान बचा लिया, यह लो पुरस्कार। आपका यह पुरस्कार से मैं धन्य हो गया महाराज।